Poem number 3. The name of the poem is The Rain on the Roof. This is the first poem of Coates Kinney. ओके चलो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं हु वाज कोर्ट्स किनी. देखते हैं कोर्ट्स किनी वाज अ लॉयर पॉलिटिशियन राइटर अ पोएटिस अ पोएट एंड ऑल्सो द जर्नलिस्ट एंड ही बिलोंग्स टू यूएस. कहां से है वो? यूएस से. ध्यान में रखना जर्नलिस्ट है पॉलिटिशियन है लॉयर है और पोएट है. कहां से है? यूएस से है. हिज फर्स्ट पोएम ही रोट इन हिज youngness, the name that Rain on the Roof. His poem gave him a tremendous success in his life. He got lot of fame and name due to this poem. इस poem की वजह से उस आदमी का बहुत बड़ा नाम हुआ बहुत बड़ा काम हुआ. So, in his youngness, due to this poem, in a such a little time he got so great fame. But he did not write many poems because he has other interested also, other things. तो उसमें बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट था. No great amount of prose. ना उन्होंने ज्यादा से ज्यादा poems लिखे हैं ना prose लिखे हैं. But उसके दूसरे भी कुछ jobs थे. Obviously journalist था बहुत बड़ा lawyer था. And that's why friend Coates Kinney become very famous in English. तो उसका बहुत बड़ा नाम हुआ because of this poem. The Rain on the Roof. Secondly, we will also understand that he was interested in nature. हमें और एक बात पता चलती है कि किनले को ज्यादा से ज्यादा काय में इंटरेस्ट था तो नेचर में इंटरेस्ट था. उसे नेचर बहुत प्यारा था प्यारा लगता था. He described many concept of the nature. उसने बहुत सारी concept नेचर की यहां पे क्या की है डिस्क्राइब किए उनके पोएम्स में. ये भी पोएम है इस पोएम में भी एक कंसेप्ट है रेन. ओके ये भी बिलोंग्स टू नेचर से है एक निसर्ग से उसका एक नाता जुड़ा है. एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड ये भी उसकी पोएम बहुत मशहूर भी है. चलो देखते हैं इस पोएम के पहले अपन ने देखा टाइटल ऑफ द पोएम. देखो टाइटल क्या है द रेन ऑन द रूफ. आप लोगों ने बारिश देखी है सब लोगों ने महसूस की है देखी है. अब तक अपन इतने बड़े हो गए तो ईच एंड एवरी ईयर मेनी टाइम्स रेनफॉल अपन ने देखा है. कब समटाइम्स वेरी स्लो समटाइम्स वेरी फास्ट ऑल्सो विद द स्टॉर्म ऑल्सो हमने बहुत प्रकार का रेनफॉल देखा है महसूस किया है. तो पोएट ने भी ऐसा एक रेनफॉल महसूस किया है ऑन द रूफ. एक छोटे से कॉटेज में क्या रहता था किन्ने रहता था और फिर वहां पे उसने एक रेन ऑन द रूफ जो स्कैटरिंग आवाज आता है तुमने सुना होगा एक पोएम पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स. तो उसी प्रकार से जब वो रेन ड्रॉप्स होते हैं जब वो रेनफॉल होता है तो उसके जो ड्रॉप्स हमारे रूफ के ऊपर होते हैं. पहले जमाने में ऐसे टेरेस वगैरह नहीं थे एक तो टीन थे उस टीन के ऊपर जब रेनफॉल होता था तो एक पिटर पैटर सा आवाज आता था. व्हाट इज इट बाय पिटर पैटर टप 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 ऐसा आवाज जैसे घोड़ा चलता है तो उसके पैरों का एक आवाज आता है तो उसको भी बोलते हैं पिटर पैटर टप टप. तो उसी प्रकार से ये पीटर पैटर वर्ड उसने रेन के रेनड्रॉप्स के लिए यहां पे क्या किया है यूज किया है. समझ में आया फ्रेंड. तो ये यहां पे बोला है. तो फ्रेंड देखते हैं इस पोएम्स में क्या है. अभी देखा अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल के बारे में देखा. सेकंडली मैंने आपको पोएट के बारे में बताया. अभी थर्ड हमको उस थीम के बारे में देखना है कि इसमें थीम क्या है. तो जो पोएट है The poet is very interested in nature. Poem का nature में बहुत interest है. And he says that whenever the rain drops on my house, on my rooftop, I got a tremendous happiness in my mind. I remember many things which was happening in my past. For example, some my loving experience of my mother. उसको उसकी मम्मी भी क्या करती है याद आती है जो भी उसकी मम्मी उसके पास नहीं है बहुत दिन पहले क्या हो चुकी है गुजर चुकी है उसकी भी याद उसको बिकॉज ऑफ द रेन से उसको आती है. जब वो आवाज आता है उसको ऐसा लगता है कि व्हेनेवर द रेन इज फॉलिंग एट दैट टाइम ही अंडरस्टैंड दैट माय मम्मा इज कमिंग इन माय होम एंड सीइंग टुवर्ड्स मी विद अ स्माइलिंग फेस ही रिमेंबर ऑल दैट थिंग्स. तो फ्रेंड हमको एक बात पता चलती है कि देखो नेचर कितना अच्छा रहता है कि आदमी को इच्छा एवरीथिंग क्या होती है याद आती है हमें अच्छी अच्छी बातें. एक देखो रेनफॉल जब भी पहाड़ पे होता है तो शायद आप भी लोग छोटे छोटे बच्चे देखो कितने खुश होते हैं दे आर रेडी टू गो आउटसाइड. वो घर में रहना नहीं चाहते वो रेन में बारिश में
क्या होना चाहते हैं, बिगना चाहते हैं, बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट इन इट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी राइटर को भी पोएट को भी यहाँ पे बहुत बड़ा एंजॉयमेंट मिलता है और उसके उसकी मम्मी की याद आती है। ही ऑल्सो सेज दैट बिकॉज ऑफ द रेन आई लॉस व्हेनेवर आई एम फीलिंग बैड और व्हेनेवर आई एम फीलिंग सैड, व्हेनेवर आई एम सिटिंग इन माई लोनली होम एंड रिमेम्बरिंग एंड नथिंग एंड बिकमिंग सो बोर, एट दैट टाइम आई रिमेम्बर द रेन ड्रॉप्स, द रेन ऑन द रूफ। तब मुझे वो रेन ऑन द रूफ में मैं याद करता हूं एंड द रेन ड्रॉप्स आई हैव हर्ड इन माई माइंड एंड दैट गिव मी द इटर्नल सेटिस्फेक्शन और इटर्नल हैप्पीनेस टू मी। और उसकी वजह से वो रेन ड्रॉप्स की वजह से मुझे एक ब्लिस मिलता है, एक हत्यानंद मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है, एक सुकून मिलता है। जब भी मैं सैड मोड में होता हूं आई रिमेम्बर आई रिकॉल दैट मेमोरीज, मैं वो मेमोरीज को क्या करता हूँ, याद करता हूँ रेन के ड्रॉप्स के विच इज ऑन द रूफ, फिर मुझे मुझे एक सुकून सा मिलता है, मुझे एक हैप्पीनेस मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर ऑफ पोएट है, उसकी जो बहन थी डोरोथी रिचर्डसन, आप लोगों ने उसका भी नाम सुना होगा। जब भी उसे कुछ बुरा या अपसेट होता है तो बाहर उसको लेके जाता है माउंटेन पे, अपने डेफोडिल्स नाम की पोएम सुनी होंगी, उस पोएम में भी सेम कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि आई एम गेटिंग लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन द नेचर, मुझे नेचर में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब भी मैं बोर हो जाता हूं तो मैं नेचर में आके बैठता हूं, तो उसी प्रकार से मैं भी मेरी आंखें क्लोज कर रहा था, व्हेनेवर आई एम गेटिंग सैड और लोनलीनेस आई क्लोज माय आईज एंड द हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स कम्स इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड आई विल बी गेट द सेटिस्फेक्शन। लाइक दैट सेम कंडीशन हियर, व्हेनेवर कीने फेल्स दैट ही वाज वेरी लोनलीनेस फीलिंग सैड और बिकमिंग मोनोटोनस एट दैट टाइम ही रिकॉल द मेमोरीज ऑफ द रेन and he becomes so so happy. This is the theme of the poem. So writer ne poet ne humko yehi suggestion diya hai, live in a nature because nature gives an eternal satisfaction to us. Samajh mein aaya? To ye sari baatein yahan pe explain ki gayi hai. Chalo dekhte hain line by line is poem mein kya hai. When the humid shadow hover, dekho rain aane se pehle ka atmosphere kaisa rehta hai aapko pata hai, थोड़ा सा क्लाउड्स आ जाते हैं और क्लाउड्स होवरिंग करते हैं इधर से उधर, थोड़ा सा हवा भी चलने लगती है, थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है, यानी दोपहर क्यों ना हो लेकिन ऐसा लगता है कि शाम हो गई है। तो उसी प्रकार से व्हेन द ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब वेट क्लाउड्स, शैडोज मतलब क्लाउड्स, होवर मतलब हियरिंग हियर एंड देयर, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, होवरिंग। तो इस प्रकार से सम क्लाउड्स अंधेरा लेके घूम रहे थे हमारे घर के ऊपर से, हमारे सिटी के ऊपर से, और थोड़ा सा अंधेरा छा गया था। Then, over all the starry sphere, starry मतलब फुल ऑफ स्टार, स्पेयर मतलब द एरिया, द सराउंडेड एरिया, तो उस एरिया में पूरे पहले स्टार दिख रहे थे, लेकिन बाद में जब वो ह्यूमिड शैडो आई मतलब जब क्लाउड्स आए तब क्या हुआ, सारा वो स्टेरी स्पेयर पूरा क्लाउड्स ने क्या कर दिया, ढक दिया, सारे क्लाउड्स उधर क्या हो गए, आ गए, मैंने ब्लैक एटमोस्फियर तैयार को, समझ में आया। और एंड द मेलेंकली डार्कनेस, देखो कितना अंधेरा छा गया, मेलेंकली, मेलेंकली मतलब वेरी सैड, वेरी ट्रिमेंडस डार्कनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिमेंडस डार्कनेस, बहुत खतरनाक अंधेरा छा गया, ऐसा लग रहा था अब कितनी बारिश होंगे ना क्या होंगे, शायद डिस्ट्रक्शन भी होगा ऐसा पोएट को लगता है। दैट्स व्हाई पोएट ने बोला है मेलेंकली डार्कनेस वेयर देयर जेंटली वीप्स मेनी टीयर्स, और जब दुख होता है मेलेंकली होता है सैड होता है तब आदमी रोता है, तो जब ऐसे रोता है तो वैसा रोने लगा वो मेलेंकली सैडनेस डार्कनेस रोने लगा, मतलब क्लाउड्स रोने लगे, मतलब रेनफॉल होने लगा, फिर जेंटली होने लगा, बट जेंटली वर्ड यहां पे यूज किया, मतलब नॉट फास्ट, एकदम स्लोली स्लोली स्टार्ट हुआ है, विप्स इन द रेनी टीयर्स, फिर रेन के टीयर्स आने लगे, मतलब रेन ड्रॉप्स फेल होने लगे। व्हाट अ ब्लिस, इतनी खुशी रहती हो टू प्रेस द पिलो एट द कॉटेज शंबर बेड, कोल्ड स्किनी कहां पे सोया था, उसके कॉटेज में सोया था, कॉटेज में एक बेडरूम था, बेडरूम में वो पड़ा है
उसने पीलो इसे दबा के सोया है। देखो फ्रेंड, सबसे बड़ा हैप्पीनेस हमें कहा मिलता है, तो बेड में पीलो के साथ मिलता है। पीलो एक ऐसे ले ली तो बस सुकून से हमें नींद आ जाती है, एक हैप्पीनेस का प्रतीक है वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी राइटर बोलता है कि मुझे बहुत ब्लिस होती है। ब्लिस मतलब मुझे बहुत बड़ा आनंद मिलता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस मिलता है। टू प्रेस द पीलो, क्या करने के लिए? पीलो को प्रेस जब मैं करता हूं तब एट द कॉटेज चेम्बर बेड, कहां पे? मेरे कॉटेज में चेम्बर बेड पे मैं जब पीलो प्रेस करता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, मतलब पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स। फिर मैं सोया सोया लाए, मतलब पड़ा हुआ बेड में पड़ा हुआ है, पीलो को मैंने दबाया हुआ है और मैं आवाज सुन रहा था। किसका आवाज सुन रहा था? मेरे छत के ऊपर जो रेनफॉल हो रहा था उसका आवाज मैं सुन रहा था, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स। फिर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहर्ड, मुझे एकदम सॉफ्ट वॉइस आया, टप 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 टप, ऐसा रेन का जो जो आवाज। तो देखो फ्रेंड, हमने फर्स्ट टाइम देखा पहले, देखो ये जो पोएम है, इस टोटल पोएम में कितने स्टैंजा है पता है आप लोगों को? इस टोटल पोएम में 3 स्टैंजा है, 3 स्टैंजा, एंड एवरी स्टैंजा कंटेन 8 लाइन्स और एक स्टैंजा में, इस स्टैंजा में 8 लाइन है, तो मतलब लाइनें कितनी हुई? 24 लाइन्स हुई। यानी इस प्रकार से राइटर ने टोटल डिस्क्रिप्शन किया काय का, द रेन ऑन द रूफ का, उसके इंपैक्ट क्या हुए। देखो पहला स्टैंजा उन्होंने देखा, मैंने अपने पढ़ने सुनाया, फिर एक बार बोलता हूं ध्यान देना है। When the humid shadows over, मतलब शाडो ऐसी घूम रही थी, मतलब क्लाउड घूम रहे थे, over the starry sphere, मतलब सारे आसमान में, and the melancholy darkness, यानी सारा अंधेरा, sadness का अंधेरा छा गया था, gently weep the rainy tears, और जैसे दुख हो गया था अंधेरे को तो रोने लगा, मतलब क्लाउड से रेनफॉल होने लगा। What a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed, मतलब पीलो को प्रेस करने में जब चेंबर बेड में कितना मजा आता है, तो ऐसा बोला। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और फिर मैं लिसनिंग करने लगा, क्या वो आवाज, काय का आवाज? और रेन ड्रॉप्स का। ऐसा हमने पहला स्टैंजा देखा, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलो ध्यान देना है मेरी तरफ। अब पहला वाला क्वेश्चन है, हु वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स, कौन रो रहा है यहाँ पे? तो आंसर आएगा द डार्कनेस वीप। क्या वीप कर रहा है? वो डार्कनेस वीप कर रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर एज अ ब्लिस टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट इन द एक्सट्रैक्ट, ब्लिस किसको कहा गया है? द प्रेजिंग द पिलो, जब अपन पिलो को प्रेस करते तो वो सबसे बड़ा ब्लिस होता है, ऐसा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द पोएट लाय? ऑन द चेंबर बेड, इन द चेंबर बेड, बराबर है, इन द कॉटेज। What does the poet do after lying? जब poem poet lie हुआ है, मतलब लेटा है वहां पे, तो क्या कर रहा है? The poet listens the pitter patter of the raindrops very silently. तो ऐसा on the roof, ऐसा हमने पहला स्टैंजा देखा। अभी देखते हैं सेकंड वाला स्टैंजा। सेकंड वाले में क्या है देखो, Every tinkle, tinkle मतलब raindrops on the singles, singles का मतलब यहां पे लिख डालो पीसेस ऑफ स्टोन। एक एक रेन ड्रॉप ऐसा गिर रहा था जैसे एकादा स्टोन गिरता है रूप के ऊपर, स्टोन गिरता है तो क्या होता है, एक आवाज आता है, उसी प्रकार से रेन ड्रॉप्स वहां पे गिर रहा था, एज अ स्टोन कंपेयर उसका किया है और उसका एक आवाज आ रहा था, ट्विंकल, ट्विंकल मतलब साउंड, एक आवाज आता है, एज एन इको इन द हार्ट्स, बाहर ऊपर रेनफॉल हो रहा था और मेरे दिल में उसका इको आ रहा था, मतलब इतनी खुशी, दुगनी खुशी मुझे हो गई थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज, मेरे एक ही मन में हजारों करोड़ों ड्रीम आने लगे और मस्त आनंद मिलने लगा। इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब जितना मैं बिजी था, मतलब मुझे जो मेलेंकली मेरा नेचर था, मूड था, वो कन्वर्ट इनटू द हैप्पीनेस और मुझे एक हैप्पीनेस मिला और थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स मेरे मन में आया और मैं खुश हो गया। Busy being start,
एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन, और हजारों मेमरीज मेरी पास्ट मेमरीज वो क्या हो गई, रिकलेक्ट हो गई। रिकलेक्ट होना मतलब रिमेम्बर होना, वेव देयर एयर थ्रेड इनटू अ बुक, बुक मतलब पीस ऑफ क्लोथ। जैसे क्लोथ में धागे क्या होते हैं, बुने होते हैं, एक आड़े कई खड़े ऐसे धागे बुने होते हैं, उसमें से कपड़ा बनता है। उसी प्रकार से मेरे मन में जो पास्ट में गए कुछ एक्सपीरियंस, कुछ हैप्पीनेस के कुछ सैडनेस के, मुझे क्या होने लगे, याद आने लगे, मैं रिकलेक्ट करने लगा, बराबर रिकॉल करने लगा एज आई लिसन टू द पैटर्न। और वो मुझे कौन बता रहे थे मेरी पास्ट मेमोरी, वो रेन ड्रॉप्स, जो मेरे छत के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स हो रहा था वो मुझे वो याद दिला रहा था, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ जो मेरे छत के ऊपर गिरा था। समझ में आया फ्रेंड, ये था हमारा सेकंड स्टैंडर्ड। चलो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस अपन देखते हैं। चलो क्वेश्चंस क्या है, हु क्रिएट्स एन इको इन द हार्ट, हमारे हार्ट में कौन इको तैयार करता है, कौन? तो यहां पे देखा होगा द ट्विंकल, बराबर द ट्विंकल ऑन द सिंगल्स, बराबर वो क्रिएट्स इको करता है। व्हाट हैपेंड टू द माइंड ऑफ द बिजी लाइन, मतलब माइंड जब बिजी रहता है उसका कौन करता है, थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसी, जब वो बिजी रहता है थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसी उसके मन में आ जाता है। थर्ड, हु वेव द एयर थ्रेड इन द वूफ, मतलब हमारे मन में जो वेव थ्रेड है वो किसने तैयार की है, द थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन वेव्स। व्हाट डज द पोएट लिसन टू, और पोयम क्या सुन रहा था, क्या सुन रहा था, द पीटर पैटर साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स अपॉन द रूफ, बराबर जो रेनड्रॉप्स में इसके रूप के ऊपर गिर रहे थे उसके बारे में वो क्या कर रहा था, सुन रहा था। हाँ चलो फ्रेंड्स, तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड देखा, उसमें हेडलाइंस थी, सेकंड स्टैंडर्ड देखा उसमें भी हेडलाइंस थी, दोनों के हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए। अब हमारा थर्ड वाला स्टैंडर्ड अपन देखते हैं, थर्ड वाले में किंग ने क्या बताया। नाउ इन द मेमोरी कम्स माय मदर, जब मैं लेटा हुआ था मेरे बेड चेंबर में, मेरे बेडरूम में, Then I remember my mother and which recall to me the raindrops as she used in the years agone. Agone मतलब before, ऐसी वो पहले भी मेरे सपनों में आया करती थी, कौन, उसकी मम्मी, उसके सपनों में आया करती। ऐसे आज भी जब raindrops आए हैं तो पिटर पैटर एक आवाज निकला है, तो अब मेरे भी नजर में वो उस प्रकार से एक आवाज आई है, रिमेंबर हुआ है। To regard the darling dreamers, She left them till the dawn. मेरे जैसे ऐसे हजारों लोग होंगे कि जिनकी माएं भी उनके बच्चों को छोड़ के जाती होंगी, बराबर, लेकिन तुम्हारी माँ शाम तक वापस आ जाएंगी, राइटर बोलता है, पोएट बोलता है, लेकिन मेरी माँ तो परमानेंटली गई है। मेरे जैसे और भी होंगे कि जिनकी माएं यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, तो उन सभी बच्चों को याद मैं करता हूं, और लेफ्ट देम टिल द डैन, और वो भी हमको छोड़ के गई है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जब वो थी तब वो जाती थी किधर भी खेत में काम करने के लिए बाहर, तो मेरे तरफ एक फॉन्ड लुक करती थी। व्हाट इज माय फॉन्ड लुक, वेरी लविंग लुक, फॉन्ड का मतलब होता है डियर लुक, वेरी लविंग लुक वो मेरे तरफ करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे मुझे लगता था कोई संगीत बज रहा है, उसी प्रकार से आज भी उसको उसकी माँ की याद आती है, जब वो रेन ड्रॉप्स का संगीत उसके रूप के ऊपर बजता है, तो ही रिमेम्बर हर मदर एज अ वेव्स, उसको वेव्स की तरह याद करती आती है, वो उसको फील करता है वो रेन की तरह। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, कैसे याद आता है उसको, जो रेन ड्रॉप्स आते हैं ऊपर गिरते हैं वो उसे हैप्पीनेस देते, और वो हैप्पीनेस उसको मम्मा की याद दिलवाता है By the pattern of the rain, और इस प्रकार से रेन ड्रॉप्स का पैटर्न से उसको आवाज आता है। समझ में आया थर्ड स्टैंजा भी, चलो उसके भी कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी लास्ट वाला। Whom does the poet remember? पहला वाला क्वेश्चन, किसको कवि याद करता है, तो obviously his mother. Second वाला क्वेश्चन, How did the poet's mother treat the dreamers? The poet's mother treated the dreamers with honor. किस प्रकार से ट्रीट करती है वो, ऑनरली ट्रीट करती है, विथ ऑनर। थर्ड वाला क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट फील रिगार्डिंग हिज मदर,
हाउ डज द पोएट फील रिगार्डिंग दिस मदर, उसको कैसा फील होता है, इज अ फॉन्ड ऑफ लुकिंग ऑन हिम, वो उसके तरफ किस प्रकार से लुक करती है, फॉन्ड ऑफ लुक देती है, किस प्रकार से लुक देती है, फॉन्ड ऑफ लुक। और लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, तो जो सिंगल्स रेनड्रॉप जब प्ले वो छत के ऊपर गिरते हैं तो किस प्रकार से एक आवाज आता है, तो एक संगीत, एक म्यूजिक की आवाज आती है, तो म्यूजिक कॉज्ड बाय द पैटर ऑफ द रेनड्रॉप्स अपॉन द रेन रूफ, अपॉन द रूफ। समझ में आया फ्रेंड, इस प्रकार से यहाँ पे ये पोयम खत्म है, खत्म हुई। जिसको कुछ प्रॉब्लम आया, नहीं समझ में आई ये पोयम, तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, मैं 100% आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करूंगा। और यदि अच्छा लगा तो कृपया मेरा जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।